शासन की टीम अड़ गई है। यह घटना इसी है जो इतिहास के पन्ने में दर्ज होली है। बालाजी का थान लगाया था के मेरा आग रुक जाए, जिस जो हमने चेक करने खातिर वो बच्चे का जो डेथ हुई थी उस बच्चे के कपड़ा का आग खोला गएगी। आप इसे एक तरीके से तांत्रिक विद्या कैसे? तंत्र विद्या एक इस तरह की मेरी टी शर्ट है, इसमें मिक्स करके दोनों ने आपस में परा के अपन यू छोड़ देंगे, टांग देंगे तो मेरी टी शर्ट बचेगी, घर के मेंबर की टी शर्ट से जड़ के राख हो जाएगी। आपने हॉरर फिल्म देखी होंगी, आमतौर पर उनको आपका रियल वाली लाइफ है, लेकिन रियल में भी कोई भूत चमत्कार काला जादू है कि क्योंकि 14 दिन बाद घटना घटा है, 14 दिन हुए हैं, उल्टी लगनी शुरू हुआ है और उसके बाद मौत हो जाएगी। घर की एक बहू है उसका ठीक हुआ हालात हो रही है। भाई साहब किसी के कपड़े डाल दो, डॉक्टर दो जिस तरह घर की बाउंड्री तो लकड़े तो जो तन पे कपड़े हैं उन आग लग जाए, हम डॉक्टर के द्वारा भी नहीं ले जा सकते। नमक की बंद थैली में आग लग गई, चून में आटे में आग लग गई, ये जो अपने आप ने नुकार वैज्ञानिक था उनके लिए शोध कर माथा पच्ची का विषय है। फिलहाल देखो बड़ी एहतियात और सावधानी बरती जा रही है। कपड़ा सब दिया है उन्हें, सिर्फ टेस्ट करने खातर देख रखा है कितनी देर में इस आग पकड़ा है। इस खुट्टी में पक्की में भी नहीं टांगा करने, आग भड़कनी होगी इसमें, न्यू पटेगी इस तरह रह जाएगी लगी। कितनी बार आग लगी भाई साहब? रात रात में, कल रात में 14 बार लगी और आज भी 7-8 पर शायद दिन में लग चुकी है। गवाह हूँ इस चीज का, इस तरह इसमें आग लग गई। आप आग बुझावांगे तो हाथ तो बढ़ना चाहिए, इसमें हाथ कौन बढ़े? कैमरे लगवाने के जस्ट 5 मिनट बाद में केबल जड़ के इबियो कपड़ा है इसने मैं न्यू करूंगा ना। हर 14 दिन बाद घर में मौत हो गई और ये जो सिम्टम है आने शुरू हो गए परिवार के सदस्य में। दादाजी क्या बात होती है ये बेरोग से क्या बता रहे थे? नहाने के बाद में जस्ट बाहर निकले ना, वहाँ बनियान टांगी थी, बनियान पार्ट लग गई। इस तरह लग रहा है कोई पौड़ी तो कटा है, अपना आप कटेगा, देखता देखता आप खड़े है ना, अपना सामने बच तो नहीं कट जाएगा। ये देखो चाकी का उड़ पड़ गया, उसकी बाल्टी उस साइड में ये पड़ी, तोड़ी भी पड़ेगी तो इसमें राख को नहीं बढ़ती। इस तरह आप बतलावा दादाजी का इस तरह जैकेट में आग लगी थी, तहसीलदार जी दिमाग माथा पकड़ के वहीं से चल दिए। आप देखो फोरेंसिक टीम आ गई, देखो फोरेंसिक टीम पहुंचे मौका पर, अभी सैंपल लेके जाऊंगी मैं और इसकी बकायदा जांच होगी कि भाई इसमें कोई केमिकल का छिड़काव है, गैस का रिसाव है। हैरान करने वाली घटना है, घर में तो गले साधना तपस्या भी चल रही है, 3 मौत होली है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, प्रशासन की टीम अड़ खड़ी है। शुरू शुरू में लोगों ने सोचा कोई अंधविश्वास होगा, लेकिन देखते देखते जब घर में 3 मौत होगी तो आसपास के गांव गुआंढ के सारे लोग देखना है। ये आप तस्वीरें देख लो, आपका दिल दहल जाएगा। ये जो तस्वीरें हैं घर का सारा कपड़ा लत्ता बाहर काटना पड़ा, ओवे के है घर में कोई भी मतलब हम कई बार नुआ रहा भाई कोई गैस का रिसाव है, कोई LPG का रिसाव है या कोई केमिकल है। जो आपने सुना होगा भाई किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने कोई घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन यह घटना इसी है जो इतिहास के पन्ने में दर्ज होली है, इतिहास के पन्ने में दर्ज होगी है और सदियों सदी इस घटना को याद रखा जाएगा। फिलहाल जांच का विषय है, चाहे थाना इंचार्ज हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे यहाँ के MP हो इस लोकसभा क्षेत्र के, वे भी आ लिए, सारे माथा में हाथ मारा है, किसी का समझ में नहीं आ रही यह घटना है कि आप देखो, आप ये देखो घर से बाहर काट दे तो बचते हैं, अंदर यदि कोई चीज चली जाओगी तो वह अंदर यू घर है, सामने जो आप गुलाबी रंग का मकान देख रहे हो, अंदर कोई भी चीज जाओगी तो उसमें आग लगेगी और आग लगा है और घर के 3 सदस्य है। भाई आवाज बंद करिए स्पीकर की, ये देखो आप ये घर आप देख रहे हो फिलहाल है भाई, ये घर है। हाँ जी हाँ भाई बंद बंद करो, थोड़ी कम आवाज कर लो, कौन चला दो, चलो फिलहाल कुछ हाँ निकालूंगा भाई, ये देखो आप थोड़ी आवाज कम करिए इसकी। देखो हालांकि सब ना अपना अपना लेवल पे इस घटना को रोकथाम के लिए अपनी अपनी जो उनके पास विद्याएं जिसको हम कह दे रहा शास्त्र में उस हिसाब से आड़े साधना भी चल रही है, मंत्र जाप भी चल रहे हैं। ये देखो आ जा निकाल के आ जा, एक मिनट देखो इन्होंने ये मंत्र जाप है यहाँ के एरिया के हिसाब से कुछ प्रार्थना चल रही है भगवान से। बालाजी का थान लगाया था के मेरा आग रुक जाए, जिस तरह दरी का अपना आसन बिछावा हाँ पूरे दरी बिछाई थी उस दरी का आग लाग ली, ये कपड़े बाहर के कपड़े हैं जो हमने चेक करने खातिर वो बच्चे का जो डेथ हुई थी उस बच्चे के कपड़ा का आग को लगेगी।
बच्चे की जो डेथ हुई थी ना, हाँ। उस बच्चे का कपड़ा का आगे खोला गई। इस घर में जो चार सदस्य हैं, हाँ। उन सदस्यों के कपड़ा का किसी प्रकार का कपड़ा लेके दर्द हो, अच्छा। उसका आगे लाग जाएगी। जिंदा है, हाँ, जिंदा है। जो मर गया उसके कपड़े का आग को लाग दिए, जो जिंदा है। तौर पर आपने बताऊं, जिस तरह यो घर का पर मेंबर का हो गया, एक इस तरह की मेरी टी शर्ट है, इसमें मिक्स करके दोनों ने आपस में परा के अपन यू छोड़ देंगे, टांग देंगे, तो मेरी टी शर्ट बच जाएगी। घर का मेंबर की टी शर्ट से जल के राख हो जाएगी, घर का मेंबर की जो जिंदा है, हाँ, जो जिंदा है। देखो, आपने हॉरर फिल्म देखी होंगी, आमतौर पर उनको आपा रियल वाली लाइफ है, लेकिन रियल में भी कोई भूत चमत्कार काला जादू है के, तो ये हॉरर जो फिल्म आप देखो वो रियल है या रियल है? फिलहाल आप देखो यहाँ तपस्या वो चल रही है, मतलब पूजा पाठ मंत्र जाप चल रहे हैं, अभी घर में कोई शांति आवे, भाई कोई प्रेत आत्मा है, कोई बाई आत्मा है, या कोई है के? फिलहाल तो जांच का विषय हो रहा है, भाई कोई रंजिश है, कोई किसी की खुंदस है, लेकिन घर में जो डेथ होने लग रही है, वो डेथ हर 14 दिन बाद, जैसे ही बुधवार आवे, 2 दिन बाद इस घर में घटना घट सके है, ऐसा आसपास के ग्रामीण कह रहे हैं, क्योंकि 14 दिन बाद घटना घटा है, 14 दिन हुए हैं, उल्टी लागनी शुरू हुआ है, और उसके बाद मौत हो जाएगी। घर की एक बहू है, उसका ठीक हुआ हालात हो रही है, उल्टी लगनी शुरू हो रही है, लेकिन मैं प्रशासन से एक अपील जरूर करूंगा भाई नरेंद्र जी, यहाँ प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर की टीम नहीं है, प्रशासन को अवगत करा के। एक चीज मैं बताना चाहूंगा एम्बुलेंस के बारे में, ये नु कहे है भाई, यदि उस घर की बहू को हम उसके कपड़े यदि तैयार कर ले जाए तो दिक्कत है, और जब कपड़े में ले जाए तो उसमें आग लग जाएगी। देखो किस तरह की विडंबना है, उसने एम्बुलेंस में भी ले जा सकते, दूसरे कपड़े डाल कर ले जा सके। भाई साहब किसी के कपड़े डाल लो, अच्छा। डॉक्टर द्वारा जिस तरह घर की बाउंड्री तक लकड़े, हाँ। तो जो तन पे कपड़े हैं, हाँ। उन आग लाग जाए, हम अच्छा। डॉक्टर के द्वारा भी नहीं ले जा सके। थाना इंचार्ज साहब जब आए उन्होंने कहा हम तो कोई पाखंड फैला रहे हो, तो उनके सामने कोई घटना? थाना इंचार्ज बोले की ऐसी घटना हो ही नहीं सकती, मैं मानता ही नहीं, यहाँ तहसीलदार जी अभी नए आए, याद नहीं, जस्ट मदन लाल बिश्नोई, तो तहसीलदार जी आए थे, उनके सामने लगी थी, आपकी तरह एक मीडिया के साथी आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, इनके दादाजी का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया, तो दादाजी की जो जैकेट पहनी थी उसमें आग लग गई, तहसीलदार जी के सामने लगी थी, आप देख सकते हो रात को यहाँ लगी, ऐसा घर का कोई कोना नहीं है। कितनी बार आग लगी घर में भाई साहब? और तो और मजे वाली बात, कभी नमक में नहीं सुनी होगी, नमक की बंद थैली में आग लग गई, चून में आटे में आग लग गई, दूध में आग लग ली, हर प्रकार उस चीज में आग लग गया। एक चीज सुन, मार कोई केमिकल हो रहा, कोई कागज की चीज में या कपड़े की चीज में, वो 2 दिन बाद रिएक्ट करेगा रहे, इस तरह का कोई केमिकल तो नहीं, कोई तांत्रिक तंत्र विद्या, इससे कुछ भी नहीं भाई साहब। हमने इस यो भी एक डर था केमिकल वाला भी, तो हमने इस भाई ने क्या कराया कह भाई चलो इस घर में दिक्कत हो है, अपने कोई दिक्कत हो सका है, घर ने कोई छिड़काव हो उसका केमिकल का, विज्ञान हम भी मानना है, तो हम ये इसका भाई का जो भूप सिंह है इसके ससुराल चल गए, तो उस ससुराल में भी इस तरह ही आग लागनी शुरू होगी। घर का मेंबर कितने जाओ तो उसे कितने भी जाओ उड़े आग लागनी शुरू होगी। फिर हमने कोई प्रेत आत्मा का कोई बुरा साया है कि घर का जो मेंबर कितने जाओ तो उड़े भी आग लागनी शुरू हो जाए, ये अपने आप में एक विचित्र घटना है, और साइंस के जो अपने आप में वैज्ञानिक हाँ उनके लिए शोध कर माथा पच्ची का विषय है। पीछे देखो भाई, तो हाँ भाई, हाँ निकाल दो जूते निकाल दे बेटे, एक ये मकान है। फिलहाल देखो बड़ी एहतियात और सावधानी बरती जा रही है भाई, कोई कपड़ा सब जी आए उन्हें सिर्फ टेस्ट करने खातर देख रखा है भाई, हमारे तपस्या से ये भाभी जी का है शायद, भाभी जी का है कपड़ा, टेस्ट बीमार है अब, कितनी देर में इस माग पकड़ा है, साधु जी चेक करे हैं कि भाई हमारी तपस्या में किमें जान है या फिर भी आग लागड़ी है। पहला इसमें एक ली खुट्टी है या इस खुट्टी में आप किमें भी नहीं टांगा ना, आग भड़कनी होगी इसमें, न्यू बटेगी इस तरह रिज आएगी लगी है। तो टोटल कितनी बार आग लगी है भाई साहब? रात रात में, कल रात ने 14 बार लगी और आज भी 7-8 पर शायद दिन में लाग चुकी है। भाई 100-150 बार लाग चुकी, आग में कोई बैर का सदस्य हाथ लाओ नहीं, उसमें तपत को नहीं होती, मैं खुद रहा गवाह हूँ इस चीज का, इस तरह इसमें आग लग गई, आप आग बुझावांगे तो हाथ तो बढ़ना चाहिए, इसमें हाथ कौन बढ़े, एक चक्कर इसमें एकदम चिल्ट में लगा, जिस तरह ही बने हो इस तरह, अच्छा आग लग रही है, चिल्ट पा गई, दूसरी बात आग में हाथ कौन बढ़े, जिस तरह कोई कपड़ा बड़ा है उसका मोम झड़के जाए हाथ पे पड़ जाए उस तो बढ़ जाए, भला आग में हाथ टेक रखो आप, रुई देखो आप, कोई रिसर्चर, कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, कोई नहीं वैज्ञानिक, कोई वो भी आए जो
टीचर आके जरूर गए थे जो विलियम के हैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में उस सभा के ट्राई और घर का इस पूरा गांव में बैसली गांव ना बैसली गांव में और कितने घटना को नहीं सिर्फ इस घर में हाँ इस अंगूठे में अगर मैं भूप सिंह का अंगूठा मिला के मिक्स करके एक साथ में फोल्ड करके लटकाऊंगा तो सिर्फ भूप सिंह का अंगूठा बढ़ेगा मेरा कौन बढ़ेगा हाँ ये नहीं चलेगा अपने टांग रखे भाई टेस्टिंग के लिए टेस्ट के लिए रखिए ये किसी टाइम अच्छा घर का सदस्य तो गुजर गया नहीं उसके कपड़े टांगोगे तो कुछ नहीं जो घर का सदस्य जिंदा है उसके कपड़े टांगो किसी भी टाइम आग लग सकती है खाली एंगर है आग लगनी होगी ना इस खाली एंगर में भी खूब आग लगेगी पहले पत्थर बाटे भी बाटे तीन चार दिन शुरुआत जिस तरह ही दिन हुए ना तीन मौतों का उसके बाद में शुरुआत के तीन चार दिन बाटे आए मतलब ऊपर तपड़े साइड में किस तरह के बाटे थे पत्थर के नहीं खोरा अपने ईट का जो आधा खोरा होता है ना उसपे मसाला लगा हुआ ऐसे तो ड्रोन तो भी निगरानी हो रही है कैमरे भी लग रहे हैं कोई चीज कैमरे की भी बताऊंगा आपने आओ 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 देखो भाई अपने आप में कैमरे इस खातर लगवाए हैं क्योंकि डॉक्टर आदमी है इस चीज ने वो भी कौन मानता भाई कैमरे लगवाए कल ना मेरा घर ना कोई किमी तो देख रहा है कैमरे लगवाए कमरे लगवाने लगवाने का जस्ट 5 मिनट बाद में केबल जड़ के कैमरे हाँ